सब वात्सल्य प्रेम के बारे में अभी बता रहे हैं। नंद की अप्रोत ब्रह्मन परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पद के निकट यह प्रश्न किया, हे ब्रह्मन, नंद महाराज की कौन सा सुकृति है? ये कृष्ण उनके पुत्र रूप में प्राप्त है। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनके लिए ये संभव नहीं है, यहाँ तक भी लक्ष्मी देवी के जो वस्तु प्राप्ति नहीं है। इसलिए नेमं ब्रिंची न भवो न श्री अपि अंग संश्रया प्रसाद लेबिरे गति तत्प विमुक्ति दत्ता। ये नंद महाराज की वात्सल्य प्रेम के बारे में बता रहे। नंद की आक्रोत ब्रह्मन, हे गुरुदेव, हे ब्रह्म, आप कृपा करके बताइए नंद जसोदा की कौन सा जन्म की सुकृति है, पुण्य कर्म है, जिसके फलस्वरूप कृष्ण उनके पुत्र रूप में प्राप्ति है। और विशेष करके कह रहे हैं यशोदा च महाभागा पपु यशस्तनम हरि। यशोदा किम अकुरत, माँ यशोदा ने कौन सा ऐसे स्वभाव, कौन सा ऐसे कर्म किया जिस कर्म के फलस्वरूप भगवान की यानी कृष्ण के पुत्र रूप में प्राप्ति। अच्छा बताओ, लौकिक रीति में तो कहा जाता है पुत्र संतान आदि की प्राप्ति है, पुण्य पुण्य कर्म से है, जैसे जैसे जी पुण्य आदि करते उस पुण्य के अनुसार पुत्र संतान आदि प्राप्त होते। भगवान के पुत्र रूप में प्राप्ति करना एक साधारण बात है। इसलिए कह रहे और स्वयं कृष्ण जिनके जी माँ जैसे कि स्थान भी पान किया वात्सल्य भाव, मातृतुल्य वात्सल्य भाव में क्या होता है, लक्षण क्या है जानते हैं? स्तन में दूध आ जाना,
और दूसरी है वात्सल्य भाव से माँ पुत्र के जो है क्या बोले सिर आदि घ्राण लेते हैं, सिर माने मस्तक, मस्तक में क्या करते हैं घ्राण लेते हैं, सुनते हैं। स्वाभाविक रूप में माँ के हृदय में ये लक्षण दिखाई पड़ता है, वात्सल्य भाव दो लक्षण यहाँ पर बताते हैं, तुम्हें दूध आ जाना स्वाभाविक रूप में और अपने बालक के गोद में देकर के वो क्या करते हैं सूखते हैं। इसलिए कह रहे हैं इस स्वाभाविक रूप में, इसलिए अश्वशक्ति की जो विकार जो कहते हैं रोमांच और कंपास वात्सल्य रस में ये अधिक ये दिखाई पड़ता है, एक दिखाई पड़ता है रोमांचक कंपासु वही अशक्ति विकार जो है वात्सल्य रस में क्या हो जाता है नौ आ जाता है, नाइन स्टैसिक मूड मैनिफेस्टेड इन द हार्ट ऑफ पेरेंट। नौ में कौन सा अधिक क्या है स्तन में दूध आ जाना स्वाभाविक रूप में। देखो कृष्ण दर्शन के स्वाति माँ यशोदा अर्थात कृष्ण जब गोचारण करके बाद गोसादिचारण करके जब ब्रज में लौटते हैं कृष्ण के दर्शन करके व कृष्ण के जब माँ यशोदा अपने गोद में ले लेते हैं स्वाभाविक रूप में माँ यशोदा के स्तन से दुग्ध धारा अपने आप झरना शुरू कर दी। यहाँ तक भी वर्णन हो रहा है ये जब कुरुक्षेत्र की मिलन प्रसंग भी यहीं मैं पूरे वर्णन किया है, उस समय माँ यशोदा कृष्ण के दर्शन करके स्वाभाविक रूप में उनकी बकस्थल देखो ऐसे वात्सल्य रस की इसे विशेष महिमा नहीं बता रहे। उस समय कृष्ण की उम्र कितने हो गए कृष्ण वृंदावन लीला पर वृंदावन लीला जो थी। अच्छा पहले कृष्ण समझिए कृष्ण इस धराधाम में कितने दिन तक रहे प्रकट लीला में 125 साल तक रहे, उसमें केवल 10 साल 8 महीने जिज्ञासु का विचार दे रहे हैं 10 साल 8 महीने तक उन्होंने ब्रज में रहे और इसके पश्चात जो कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा में कितने दिन तक रहे 13-14 साल तो रहेंगे, क्योंकि ना जरासंध बार बार मथुरापुर के आक्रमण करने लगा कंस वध के पश्चात, कंस मर जाने के मार कंस को जब मार दिया कृष्ण ने कंस को मार दिया और उस समय कंस के जो पत्नी क्या बोले दो पत्नी क्या क्या नाम है ओस्ति और प्राप्ति, प्राप्ति ओस्ति और प्राप्ति ये जरासंध की जो है पुत्री पुत्री है जरासंध और ये लोग विधवा जब होकर के अपने पितृलोक में शहर में जाकर के कृष्ण बलराम के निकट अनेक प्रकार जो उल्टे सीधी बात सुनाए इससे जरासंध बहुत क्रुद्ध हो गए और जरासंध बार बार मथुरापुरी को आक्रमण कर 17 बार उन्होंने आक्रमण किया कृष्ण जरासंध
तो उसी प्रकार जीव गोस्वामी बात करें, आप विचार लगाइए है मथुरा में कितने साल तक रहे, और इसके 18 वर्ष जब जब मथुरापुर के आक्रमण करने लगे, कृष्ण सारे मथुरापुरी को लेकर के मथुरावासी को लेकर के द्वारका में चले, रातों रात विश्वकर्मा के द्वारा वहाँ पर समुद्र में वहाँ पर विशाल महल बनाए और वहाँ पर सब ब्रजवा ये सब मथुरावासी को ले गए। यही तो अलौकिक है, लोग भगवान बनना चाहते हैं, किंतु कृष्ण ने की सारे मथुरावासी को उठा कर लिए, सब सो ही रहे थे, और प्रातः काल जब हुई तब मथुरावासी जब उठे देखा चारी तरफ समुद्र समुद्र ही और बड़े बड़े लहरियां आ रही हैं, सब मथुरावासी डर गए हैं। जब तो मथुरावासी चिल्लाने लगे सब, बोले कहाँ जाएंगे हम, दार कहाँ है, सब ये सब एक ही शर्म करते, दरवाजा कहाँ है, इसलिए दार कहाँ है, इसे नाम पड़ गया द्वारका। देखो तो इसी प्रकार भी यहाँ पर करें जी, इसके पश्चात कृष्ण वहाँ पर द्वारिकापुर में अनेक असुरों को वध किया है, फिर अनेकों लीला आदि की 16108 पाटरानियों के साथ विवाह आदि हुई है ना, ये समस्त दिखाई नरकासुर जो क्या बोले 108 कितने 16000 है राजकुमारी को जो है बंदी करके रखा था नरकासुर है, उनकी नरकासुर के वध किया है ना, वो भी कथा प्रसंग है, और नरकासुर के वध करके समस्त वो समस्त राजकुमारियों के उनको मुक्त कराया, फिर वो लोग बोले हम कहाँ जाएंगे, तो भगवान ने क्या कि सबके साथ विवाह भी किया, ये भी दिखाया, तो ये समस्त अनेकों लीला आदि किया। इसके पश्चात सूर्य ग्रहण के समय कृष्ण एक कुरुक्षेत्र में समंत पंचक वहीं पर पता है, तो ऐसे यदि विचार की जाए उस समय कृष्ण की उम्र कितने होगा, करीब करीब 70 साल हो गया लगा लिया है, और उस समय माँ यशोदा की उम्र कितने होगा, है 70 ईयर्स। कृष्ण जब द्वारिकापुरी से जब कुरुक्षेत्र जब पधारे, मैंने कुरुक्षेत्र कब है, तो उस समंत पंचक में सूर्य ग्रहण के समय जब कृष्ण आए, समस्त मुंशियों के लेकर के जब कृष्ण पधारे, कृष्ण की उम्र बहुत हो गई, तो उसे लगा लिया माँ यशोदा की उम्र भी कितने हुई है, कृष्ण के कृष्ण की उम्र बता रहे हैं, उनकी कितना उम्र नहीं बता रहे हैं, तो उस समय माँ यशोदा कृष्ण के दर्शन करते ही बस उनके बक्षस्थल से स्वाम ये क्या बोले दूध के आशे तो बोले वात्सल्य रस की इतने महिमा बता रहे हैं, कहने की तात्पर्य है जो कृष्ण विरह में माँ यशोदा तड़प रही थी लोकलीला में है,
कृष्ण विरह में जो तड़प रहे थे और इस समय मां से देखे शरीर भी छीन भी हो गया, छीन से नहीं दुबली पतली कमजोरी हो गई। इस समय जीव कृष्ण का सुंदर रूप में वर्णन किया है, शुष्क उनकी शुष्क स्तनी हो गई। तब कृष्ण के दर्शन करते ही और वो वात्सल्य इतने उनके हृदय में आ गया है, अस्तन से दूध झड़ने। इसलिए वात्सल्य रस में एक विशेष वैशिष्ट्य भी दिखा है, अशाब्दिक विकार में, और इसमें एक अधिक क्या होता है, हाँ ये अधिक दिखा रहे हैं है। ये नंदो की अपरोध इसलिए कर रहे हैं, ये माँ जसोदा की कैसे स्वभाव पर है, वो प्रसंग भी बहुत सुंदर है। कुरुक्षेत्र मिलन में एक माँ जसोदा जब कृष्ण से मिले, माँ जसोदा रोने लग गए है, नंद महाराज तो दो चार शब्द भी बोले किंतु माँ जसोदा बोलने है। और कृष्ण देखो माँ जसोदा के गोद पर बैठ गए हैं, क्यों माँ जसोदा के वात्सल्य रस की यही विशेषता है, क्योंकि माँ जसोदा गोपाल कृष्ण के क्या कितने दर्शन होते हैं, जैसे 5 अथवा 7 साल के बालक के दर्शन। इसी तरह कहते भगवत लीला इसी कहते हैं अतिमर्त लीला का आज इसको क्या बोलते हैं, अरे नहीं 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 जो मैं शब्द जो बोलते जा रहा हूँ माया विधि तो ऐसे लीला जी होते हैं जो माया के द्वारा ऐसे लीला प्रकट होते हैं। माँ जसोदा कृष्ण के सब समय कितने कितने उम्र देखते हैं, 5 से 7 साल तक जाए, 5 साल जैसे 5 साल के बालक जैसे होते हैं ऐसे कम से। यह तो विधि वर्णन हो रहा है, ये जब कृष्ण कंस के वहाँ पर जब आने लगते होते बोले ऑफ कंस है, तो उस समय द्वादश रस के भक्त मिल सकते सब कृष्ण के उसी प्रकार के दर्शन अपने अपने रस माध्यम में दर्शन करने हैं। देखे मल्लानां असनी नृणां नरोवर है, तो उसी प्रकार करें कि भगवान एक है और जैसे जैसे भक्त है भक्त के प्रेम माधुर्य के अनुसार भगवान के उसी प्रकार दर्शन करें। इसके उदाहरण देख कैसे यथा वैदुर्य मणिवत, वैदुर्य मणि कहा जाता है एक प्रकार मणि है ज्वल से उसके उसके 7 रंग रहते हैं, जिस परिणाम से आप देखोगे वह रंग आपको दिखाई पड़े, लाल नील पीले है। ठीक उसी प्रकार भगवान के दर्शन भक्त उसी प्रकार दर्शन करते हैं जिसको जिस रस है। मातृस्थानीय वात्सल्य भाव पति जो माताएं जो है वो कृष्ण के छोटा बालक रूप में दर्शन करते हैं, सखा लोग अपने समान छोटा जैसे अपने रूप दर्शन ऐसे अपने समान सख के रूप में दर्शन। और गोपियां क्या देखे साक्षात कामदेव के रूप दर्शन। इसलिए कृष्ण लीला के 3 भाग में
कितने तीन भाग में विभाजित करके दिखाया। एक होता है नरवत लीला, मनुष्य के वहाँ लीला होता है, एक होता है देव लीला, और एक है राजपुत्र लीला, राजपुत्र लीला। साधारण मनुष्य की भांति कृष्ण रहते ब्रज में, और एक होता है क्या देव लीला, जैसे देवता लोग अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को धारण कर लेते, तो कृष्ण भी उसी प्रकार की है। सखा लोग करने लगे तुम कंस को कैसे मारो, तो कृष्ण ने किया कि विशाल शरीर बना लिया, जगंत बना लिया, जिसको कहा जाता है दीर्घ विष्णु। मथुरा में जब प्रवेश कर रहे थे तो सखा लोग कहने लगे ये कन्हैया तू कंस के साथ कैसे लड़ोगे, उनके सुना तो उनकी विशाल शरीर है, चारों मस्तिष्क भी है, विशाल विशाल शरीर, तुम उनके साथ कैसे लड़ोगे, कैसे युद्ध कैसे करोगे, एक शेर और चूहे के लड़ नहीं सकते, लड़ेगा। तो उसी प्रकार सखा लोग कहने लगे अरे तुम कंस के साथ कैसे लड़ो, युद्ध कैसे लड़ो। तो कृष्ण कहने लगे देखो मैं भी इतना बड़ा सज बना लेता हूँ, अरे कोई संभव है, तो कृष्ण ऐसे ऐसे करके बस उसके विशाल सज बना जिसे कहा जाता है दीर्घ विष्णु। मथुरा दर्शन में दीर्घ विष्णु है ना जाते, तब सब हाँ तब तो तुम कर सकते तुमको। तो ये समस्त जो लीला कथा कितने सुंदर बना है, एक ही भगवान भक्त की प्रेम रस माधुर्य के अनुसार अपने स्वरूप प्रकाश कर, और दूसरी ऐसी भी कहें ये कृष्ण के शरीर जो दिव्य संपात कहते हैं, खानदान के घर के हो बहुत खा पी करके तुम शरीर क्या बनता है, संतुष्ट हो जाते है कि नहीं, तुमके शरीर भी विशाल होते है, जैसे पंजाब से पंजाब की तरफ जाए है लोग बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े होते हैं, सबका आर्मी में भर्ती कर दिया है कि नहीं, विदेश भी दिखता है सब क्या बोले सिख पंजाब है ये इतने लंबे है क्या गाय भी बड़ी बड़ी है दूध देती है ज्यादा दूध खान पीन है, और जितने भी इधर तरफ चले बंगाल से उड़ीसा के तरफ चले सब चले जाते हैं, उधर गाय उड़ीसा में देखें जगन्नाथपुरी में देखे होंगे ना गाय जो दूध देते बकरी के कैसे इतने छोटे छोटे है कि क्लाइमेट है उस जगह पर। तो उसी प्रकार भी कहते जा रहे हैं ये कृष्ण की जो लीला एक राज लीला उसे कहा जाता है राज लीला का राजाओं की वहां थी शरीर खान पीन अच्छी तरह से। और दूसरी क्या बोला नरवत लीला मनुष्य की वहां थी छोटे बालक जैसे रहते, इसलिए कहते देव लीला भी कहते देवता लोग जैसे अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को बड़ा देता है। अच्छा चलो इसलिए कहते वात्सल्य रस के लिए कहा
नंद किम अक्रोत ब्रह्मण सेवम महोदय यशोदा च महाभागा यशोदा व महाभागा पपु यशस्तनम नेमं ब्रिंचो न भवो न सिरप संश्रया प्रसादत लिविजे गोगी जत्त प्राप विमुक्ति दत्ता। माँ यशोदा की जो सौभाग्य प्राप्ति हुई है ब्रह्मा शिव अथवा लक्ष्मी की भी वो सौभाग्य प्राप्ति नहीं है। बोले ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी की स्थिति क्या है, चेज क्या है, ब्रह्मा जी की कहा जाता है आधिकारिक दास्य। क्या बोला? आधिकारिक दास्य। आधिकारिक शब्द क्या अर्थ है? अधिकार दिया उन्हें है, पद दे दिया। कौन सा पद दिया? सृष्टि करने के उनके पद दे दिया है। आज ब्रह्मा भगवान ने ब्रह्मा जी को कौन सा दिया? सृष्टि कर, सृष्टि करने की पद दे दिया। ब्रह्म संगीत के अनुसार स्वयं कृष्ण वंशी वादन करके यह मंत्र आदि दे दिया। कौन सा मंत्र? गोपाल मंत्र, कामगति मंत्र दे। और उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे ये मेरा काम क्या है? बोले देखो तुम्हारे हृदय में अभी रजगुण है, इसलिए तुम सृष्टि कार्य आदि करो। ब्रह्म संहिता में ऐसे करे भगवान कृष्ण वंशी वादन के द्वारा, वंशी के द्वारा ब्रह्मा जी को मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? गोपाल मंत्र का अंदर है। और भगवान ने कहा देखो अभी तक तुम्हारे हृदय में रजोगुण है। रजोगुण में क्या है? जिसके जो रजोगुण के काम क्या है? सत्तर रजोतम। रजोगुण के कार्य होता है सृष्टि आदि करने, अहम करने वाला है, कर्ता अपना आता है। तमोगुण में क्या होता है? धम से वाले और सप्तगुण में धीर स्थिर चिंतन आदि है। उसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहे, ब्रह्म संहिता है लास्ट में जो कहे अंतिम श्लोक में इसमें तो वर्णन होते जा ब्रह्मा आधिकारिक दास्य कहा अधिकार सीमित दास्य। इसलिए ब्रह्मा जी भी डरते हैं। कह ब्रह्मा जी कह रहे मेरा वृंदावन में जन्म तो सौभाग्य नहीं है कि जहाँ पर वास्तव्य है, जहाँ पर कृष्ण का ऐसी मधुर लीला आदि है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जद गोकुले ओपी कत अंग्री है रजू है, मेरा जो है गोकुल में, नंद गोकुल में मेरा जन्म हो जाए, वात्सल्य के स्थान पर मैं करे। गोपी भाव प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं किया है। क्यों? ब्रह्मा जी पुत्र है, किसका पुत्र? भगवान के पुत्र माना जाता है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, भागवत में वर्णन है। महाप्रलय के समय देखा कि चारों तरफ केवल जल जल है, पानी पानी, कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़े है। जब महाप्रलय हो जाए सारे ध्वंस हो जाते सब है। प्रलय भी कई प्रकार के प्रलय, चार प्रकार के प्रलय, प्रलय के बारे में बताया गया है। ऐसा क्या क्या? नित्य प्रलय व दैनिक प्रलय का खंड प्रलय, महाप्रलय है,
क्या खांडी खंड खांडी तो ये समझते ये दिखा रहे तो ब्रह्मा जी जब देखा क्या कारण बाद में ऐसे प्रकटित हुए कमल के ऊपर है तो विचार करने लिए कमल के नाल कहाँ से आए तो ब्रह्मा जी उस कमल के नाल को पकड़ के नीचे उतर लिए है किंतु उनके पता ही नहीं चला है क्योंकि भगवान के नाभि कमल जो अनंत भगवान अनंत भगवंत अनंत अनंत देव भगवान की नाभि कमल कहाँ से नाभि से है ब्रह्मा जी हैरान हो गया पता नहीं लगा नहीं पाए है फिर पुनः आ गया पुनः आकर के कमल के ऊपर बैठ कमल के ऊपर बैठे और इतने समय दो सप्ताह है तप 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 है फिर तुम तपस्या करो है फिर ब्रह्मा जी धनस्थ होकर के तपस्या आदि करने लगे है तब संग नारायण प्रसन्न होकर उनके हृदय में शक्ति संचार कर दी और बोले कि तुम सृष्टि कार्य आदि करो है तो ये समझते जब वर्णन इसलिए करे ब्रह्मा जी वृंदावन में गोपियों की समता करने के लिए इच्छा प्रकाश नहीं करते कहते करके नेमम बिरिंची बिरिंची उन्होंने ब्रह्मा जी भावो भगवान शिव जी इसलिए कहते हैं इवं प्रसादम ब्रिंची पुत्र ब्रह्मा ओपी भगवान आत्मपूर्ण संभव शिव जी के लिए भी संभव नहीं है यहाँ तक भी अंग संश्रया पत्नी लक्ष्मी देवी श्रीमानी लक्ष्मी देवी की भी संभव क्योंकि नेमं ब्रिंची न भवो संश्रया प्रसादम लिभिरे गोपी जत जत तत् प्राप विमुक्ति दत्त सब भगवान मुक्ति के लिए देने वाले और वह गोपी यहाँ पर माँ यशोदा गोपी शब्द जी यहाँ पर प्रयोग हुआ किसके लिए यशोदा विमुक्ति दत्त ऐसे माँ जैसे की माँ जैसा कि ऐसे कुछ से सौभाग्य है ये कार्य ये माँ जैसा कृष्ण के रस्सी के द्वारा और उनको बांध दिया क्यों तब भी करें दृष्टवा परिश्रम कृपासित सबंधन भगवान की कौन बांध सकते हैं तो माँ जशोदा की ऐसे चेष्टा देख करके प्रबल चेष्टा देख करके दृढ़ता देख दृढ़ता को देख करके और स्वयं कृष्ण बंध गए मैंने बंधन स्वीकार करके दृष्टवा परिश्रम कृपा आसित सबंधने माँ यशोदा कैसे बंध पाए कृष्ण तो परमात्मा ही है तो परमात्मा कण कण में है रस्सी के ऊपर भी है अंदर में है बाहर में सर्वत्र ही तो माँ यशोदा कृष्ण के कैसे बंध है इसलिए कह रहे दृष्टवा परिश्रम कृपा आसित बंधने स्वयं भगवान कृष्ण कृपा करके बंधन स्वीकार क्यों न महा जोधा की ऐसी प्रबल इच्छा
है। भक्ति राज्य में दो वस्तु की विशेष वैशिष्ट्य का है, क्या होनी चाहिए? चेष्टा और कृति है। जितने परिमाण हम चेष्टा करेंगे भगवान उतने परिमाण ही हमें कृपा करेंगे। समझ में आया? क्या समझ में आया? ये ब्रह्मा जी के जो भाव प्राप्ति नहीं हुए, शिव जी के लिए वो संभव नहीं, वो भाव प्राप्त करना है। यह तक भी करें लक्ष्मी देवी की वो भाव प्राप्ति नहीं है। देखो लक्ष्मी देवी आज तक भी बेलवन में तपस्या कर रही है उदरास में प्रवेश करने के लिए, कहां पर? ब्रह्मा जी कर, ब्रह्मा जी तो डरते हुए कहेंगे वृंदावन है मेरा जन्म, ये तो संभव नहीं है। वृंदावन में मेरा जन्म हो जाए इस विशिष्ट का जद गोकुल वो भी कतमा अंग्री रज से होता, नंद गोकुल में बसल के स्थान तो वहां पर ब्रजवासी के घर में एक पत्थर होकर मेरे जन्म हुए ब्रह्मा जी का है। मतलब कौन सा पत्थर है? ये वृंदावन में एक गोकुल में जो जमादारनी का था ना, जो टॉयलेट साफ करने वाले है, झाड़ूदार, सब ब्रजवासी के घर में साफ सुधार करके जब अपने घर में आकर के क्या करते हैं, अपने पैर को जो है जिस पत्थर के द्वारा रगड़ते, बोली वही पत्थर होकर मैं जाऊंगा। देखो और शिव जी के लिए भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नेमं विरिंचि न भवो न सृप संश्रय। शिवजी भी कहते हैं शिवजी के लिए भी संभव नहीं है, क्यों? शिवजी भगवान के आत्मतुल्य शंभु, शिवजी के क्या कहते हैं? भवो कहा जाता है, और शिवजी के पत्नी के क्या कहा जाता है? भगवान। प्रभु कहे उत्तम आगे कहो और राय कहे कांता भाव प्रेम सद्दोसार। प्रभु कहे यह उत्तम, तो सबसे वास्तव की कथा सुनाए सुन करके महाप्रभु प्रसन्न हुए। महाप्रभु कहने लगे आगे कुछ कथा में सुना है, तो राय को एक कांता भाव प्रेम सत्य सा, कांता भाव मन माधुर्य है, प्रिय प्रियतम जो भाव जो उसे कहा जाता है कांत भाव का है। कांत भाव में दो प्रकार होते हैं, एक सत्यत्व होता है, एक प्रत्यत्व होता है। पति पत्नी जो संबंध रहता है उसी के कहा जाता है सक्रिय का, और परकीय जिसमें परस्पर पद विवाहित होकर के है, और परपुरुष के प्रति जो आसक्ति रखते हैं उसी की कहा जाता है परकीय प्रभाव दिखा रहे हैं। समस्त गोपियां कई प्रकार की गोपियां, कुछ गोपियां विवाहिता थी, कुछ गोपियां विवाहिता नहीं थी,
कन्नका पड़ूरा अनुरा है उद्वाह ऐसे शब्द बाहर है। और इसे कहे कांत भाव का किसको कहे प्रिय प्रियतम के जो भाव होता है उसे कांत भाव है। कह अंत कांत सीधा सिधर गुस्सा पाच है कहते हैं कांत भाव की व्याख्या करते हुए कहते हैं ये प्रिय प्रियतम के ऐसे भाव निर्मल भाव हृदय में उदित होता है इसके अंत कहाँ तक नहीं पहुंच कोई निर्णय नहीं ले पाते कांत शब्द कफ अंत कांत अर्थात प्रिय प्रियतम की एक दूसरे के साथ ऐसे भाव बंधन के द्वारा है बंद करके रहते हैं साधारण मनुष्य को समझना संभव नहीं है। इसलिए करें कांत शब्द की करें कांत भाव की कहते कह अंत उनके अंत कहाँ भगवान के स्वरूप भगवान की क्रिया दिखे अनंत काल लक्ष्मी की भी संभव नहीं है, है? ये प्रसादन ले लीजिए गोपी जब तक प्रापक मुक्ति दात इसलिए यह प्रेम के माधुर्य प्रेम के दो भाग की विभाजन करके दिखाया क्या क्या एक सत्या और प्रज्ञा है इन्हें एक संबंधात्मिका और एक संबंध के अनुसार जहाँ पर पति पत्नी के संबंध है उस संबंध के अनुसार सेवा आदि रुक्मिणी सप्तभामा आदि कृष्ण की सेवा आदि कर रहे हैं पति पत्नी भाव रख के सेवा आदि है ये भावना रहता है संबंध यह क्योंकि ब्रज में भी संबंधात्मिका है कौन कौन सुबल सिदाम नंद जसोदा कृष्ण का संबंध है कि नहीं कौन सा संबंध है सबका वात्सल संबंध रखकर के सेवा होती है जब तक संबंध नहीं हो तब तक सेवा नहीं होती है सबका भाव है सबका संबंध है संबंध की प्रधानता रहता है ये जो सेवा आदि कर पति पत्नी संबंध है उनका ब्रज में कृष्ण की विवाह नहीं दिखाया गया तो यहाँ पर पति पत्नी के संबंध में उनकी कोई गुंजाइश नहीं कृष्ण के विवाह कहाँ हुई बृहत बामन पुराण के अनुसार किसी कल्पों में कृष्ण के विवाह रुक्मिणी के साथ हुई मथुरा में ऐसे दिखा दे चलो किसी भी प्रकार से जो ब्रज में कृष्ण के विवाह नहीं दिखाया गया समझ में आ रहे ब्रज में कृष्ण के विवाह नहीं दिखाया गया कृष्ण के विवाह ब्रज के बाहर ये दिखा संबंध के अनुसार सेवा होती है उस वास्तव सख वास्तव और मधुर माधुर्य जैसे जैसे संबंध होते हैं उस संबंध के अनुसार सेवा हो
इसलिए उसी के कारण से संबंध आत्मिका संबंध प्रधान बन जाता है, और सेकेंडरी क्या होता है? सेवा। मुख्य बन जाता है संबंध, और गौण क्या होता है? सेवा होती है। इसमें विचार जीव को संपाद दिखाए, और गोपियों में क्या होती है? संबंध उन्हीं देखते हैं, सेवा प्रधान बन जाता है गोपियों में। नहीं होता यदि गोपियों के पूछा जाए, अच्छा बताओ कृष्ण के साथ तुम्हारे कौन सा संबंध है? है गोपियां क्या उत्तर दे? बोले हम लोग नहीं जानते, कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है, इतने तक बात है, और कृष्ण की सेवा ही उनकी परम धर्म है, सेवा प्राइमरी बन जाता है, और संबंध कोई ढूंढे तो वो सेकेंडरी हो जाता है। संबंधात्मिका और एक कामात्मिका, कामात्मिका भक्ति में संबंध की प्रधानता नहीं, उनकी प्रधानता क्या है? सेवा है। सेवा ही परम है, जिसे कहते हैं अन्ना विलासिता सुन्न कर्म ज्ञानादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुसरण भक्ति उत्तम। अनुकूल्य नहीं, यहाँ पर शब्द दे रहे हैं अनुकूल सेवा वृत्ति, कृष्ण रोचमाना वृत्ति, जहाँ पर कृष्ण के सुख है, जो कुछ भी कार्य आदि करते हैं, सेवा आदि करते हैं, कृष्ण के सुख कैसे, ये चिंतन कर। सबको दास्तव सबको वास्तव में संबंध जो है वो प्रमिनेंट नहीं हो, हाँ संबंध प्रमिनेंट हो जाता है प्रधानता होता है, जैसे जैसे संबंध उस संबंध के अनुसार अपने भाव माधुर्य आदि कृष्ण के निकट प्रकाश करते, रखा जो है सब करो सारी हृदय को खुल करके बोल देते हैं, सेवा सेकेंडरी हो जाए, और माधुर्य रस में सेवा प्रधान। यदि यदि पूछा जाए गोपियों के पूछा जाए, मथुरा में जो रहने वाले व्यक्ति उनके पूछा जाए, उनके संबंध के विषय सेवा है, गोपियों में क्या है कि संबंध में दिखते हैं कृष्ण के प्रति कैसे, और कृष्ण के प्रति के लिए ही सब कुछ करते हैं, कृष्ण लागी सब परे व्यवहार, कृष्ण सुख के लिए गोपियां सब कुछ करते, जिसमें वात्सल्य रस में निसंकोच साधारण प्रेम में ममता के अभाव करें, साधारण जो प्रेम है उसे क्या होता है? ममता की अभाव हो जाता है, क्योंकि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, प्रेम की जो परिभाषा दे रहे हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, प्रेम संगता प्रेम की सुंदर परिभाषा है, क्या बताए? अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगत है, उद्धव नारद आदि बड़े बड़े भक्त लोग उसी की प्राप्ति करने के लिए तरस से रहते हैं।
शारीरिक कथा हम सुनते हैं। ब्रज में ब्रजवासियों के हृदय में जो प्रेम की जो विशेष विशिष्टता है वो है क्या, तीन भाग में दिखाई दे रहा है। एक उत्कंठामय प्रेम है, उत्कंठामय प्रेम किसमें, ब्रज गोपी में है, और एक होता है विश्रम्भ प्रेम, क्योंकि कब है उत्कंठामय और दूसरी के तीसरी क्या है, विवेक शून्य प्रेम। ब्रजवासियों के हृदय में ये इसी कहा जाता है, पहले क्या कहते हैं विवेक शून्य प्रेम ब्रज में है। जैसे पशु पक्षी आदि कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम है। डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं पाते ना, ये कृष्ण हर रोज तो एक मैंने वन में नहीं जाते, विभिन्न दिन कृष्ण विभिन्न वन में जाते हैं, कभी बांडिल वन, कभी ताल वन, कभी दूसरी दूसरी वन में जाते हैं, द्वादश वन है। वहीं पर जो पशु पक्षी जो है गोविंद के प्रति प्रेम रखते हैं ना, पेड़ पौधा भी है, समझ में आ रहे कि नहीं। तो वहां पर जो वृंदावन में जो पशु पक्षी आदि जो है वन में जो है गोविंद दर्शन के लिए इतने तड़पते रहते, और फिर कह देता है कृष्ण हर रोज तो नहीं आते, वो सोचते हैं कृष्ण आते होंगे अंदर वो हम लोग कहते हैं बोले अच्छी काम बोले ऑन द वे, बोले कब आएगा बोले पता ही नहीं, दो घंटा लगे, चार घंटा लगे, दो मिनट लगे, दस मिनट लगे हैं, लोग क्या बोलते हैं ऑन द वे, रास्ते में आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अरे कब आएगा वो बोले, मैं कोने समझ पिस्ट नहीं हैं। इसलिए कहते हैं सख और विश्रम्भ प्रेम, लेना पहले क्या बताया विवेक शून्य प्रेम, और एक है विश्रम्भ प्रेम, और तीसरी है उत्कंठामय प्रेम। ये प्रेम के विभाजन करके फिर भी दिखा कितने सूक्ष्म सूक्ष्म विचार किए यार है। पशु पक्षी आदि के जो प्रेम कृष्ण के जो प्रेम है उसी कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम है। गोविंद के दर्शन में इतने आनंद आनंद होता है पक्षी आदि के आ जाते प्रायु बताऊंगा मुन है, वो समझते गोपियों की साधारण नहीं है, सब मुनि ऋषि अनेकों जीवन हजारों जन्म हजारों साल तक गोपाल मंत्र आदि जप करके सिद्धि प्राप्त करके तब ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म है। ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म लेना इतने सहज नहीं है कि नहीं। क्या बोला, एक है संबंधात्मिका भक्ति एक कामात्मिका भक्ति है। फिर कामात्मिका भक्ति के फिर दो विभाजन करके दिखाया, एक है तत्त भवेच्छामी भक्ति और एक संभोगेच्छामी भक्ति है। फिर ब्रज में फिर
पुनः जो प्रेम की प्रेम की विभाजन करके दिखा रहे हैं, एक है विवेक शून्य प्रेम और एक है विश्रम्भ प्रेम और एक होता है उत्कंठा मन। ये उत्कंठा रूप में प्रेम गोपियों में है, गोपी के इलाज में है। उसमें वैशिष्ट कहना कृष्ण के साक्षात दर्शन और साक्षात रूप की सेवा की, ऐसी सेवा प्राप्ति करे साक्षात रूप है। एक बृहद अग्नि और एक स्मॉल अग्नि की जो है चिंगारी, दोनों में अंतर है। इस तात्पर्य क्या है, गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति ये प्रेम जो है विशाल, और इसलिए उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग भी गोपियों की जो है सांत्वना दे नहीं, इसलिए उदाहरण दे रहे, जैसे बृहद अग्नि हो है उसमें पानी डाल देने से क्या होता है, और भी अग्नि आग बढ़ जाएगी, यदि अल्प आग हो उसमें पानी देने से वो बुझ जाएगा। ठीक उसी प्रकार गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो विरह प्रेम दिखाया गया वो प्रेम इतने विशाल दावानल के बना। इसलिए तो उद्धव गोपियों की किसी प्रकार जो है सांत्वना दे नहीं पाए और अंत में उसके लोट पर आना ही पड़ा का मतलब है कृष्ण को ही कर एक कृष्ण करे उद्धव भवदीनां महाभागा विरहेनो मे अनुग्रह कृत। हे ब्रजगोपीगण, वास्तव रूप में आप लोग के साथ कृष्ण के साथ किसी प्रकार विरह नहीं है। कौन करे क्यों करे विरोध नहीं क्यों नहीं करे, अभी तो सरल उत्तर है। करें भवती नाम महाभागा है, आप लोग के हृदय में दास्तव में कृष्ण के प्रति विरोध नहीं है, तो केवल मुझे अनुग्रह करने के लिए कृपा करने के लिए आप लोग ने इस समय तो विरोध भाव को प्रकट करा, मैं अनुग्रह कृत द्वारिकापुरी में लक्ष्मी आदि एक क्या द्वारिकापुरी में सप्तमहमा आदि के लिए वो सौभाग्य बनी जो भाई सौभाग्य जो है प्रदेवी के प्राप्ति है। जिसने कहा राय के उत्तर कंत भाव प्रेम शब्द सार नायम शिव मुनि तंत्र ते प्रसाद तो सजुषिता अन्य गंधा ये गोपियों की जो प्रेम जो है इतने दूर तक खड़ा हुआ है। नायम श्रृंगु नितान्त के प्रसादों पर स्वर जुषित नुनिना गंध ऊंचा कुतोन्न, और कई स्थान पर नहीं ये भाव को माधुर्य प्रकाशित नहीं है। ये वात्सल्य प्रेम का अभी तो वात्सल्य प्रेम के लिए हो रहा है, क्या बोले जो वात्सल्य प्रेम जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं ये वात्सल्य प्रेम कोई साधारण नहीं है। वात्सल्य प्रेम को गोपियाँ कृष्ण विरह में इतने तड़पते जिसे कहते हैं क्या बताए उत्कंठा, उत्कंठा प्रेम, उत्कंठा प्रेम के तात्पर्य जी का साक्षात में गोविंद के दर्शन, साक्षात में कृष्ण की सेवा है। जैसे वात्सल्य प्रेम कभी भी दिखा जाए बच्चा रोते हैं माँ काम करते हैं फिर अपने बच्चे को किसी को नहीं किसी के गोद में उसे दे दे दिया, अच्छा उनको काम करना है माँ के काम करने तो उसे बच्चा रोए और ये कर तो उसे कैसे करे, तो माँ क्या करती है अपने कई मित्र कबले समुंदर जो होता
बहन हो किसी वजह उनको बच्चे को दे दे, देते कि नहीं? किंतु बात से माधुर्य प्रेम में क्या होता है? उद्धव आए गोपियों की सांत्वना देने के लिए तो प्रयास की, किंतु फल उल्टा हो गया। और भी गोपियों की विरह और भी बढ़ गया। ठीक है, इसलिए उद्धव कार्य भगवती नाम सर्वा सर्व आत्मान जगत पूजिता। आप लोग इस संसार में समस्त व्यक्तियों के द्वारा आप लोग पूजित हैं। कृष्ण के अंकसाई वक्षस्थल में रहने वाली सख्त ब्रज ब्रज सप्तभामा के जो भाव करते हैं, सप्तभामा की भी प्राप्ति नहीं है। कृष्ण के साथ मित्र रहते हुए पर भी माँ जैसे तभी उत्कंठा वही प्रेम में आ जाए। नंद बाबा उत्कंठा वही प्रेम की विशेष विषय के साक्षात रूप में दर्शन, किसी किसी के शब्द आदि के द्वारा नहीं होगा। जैसे कोई विरह में तड़प रहे उनको क्या सांत्वना दिया जाता है? जो हो गया तो हो गया, धैर्य धारण करो, है त्याग। और भी बराबर के फायदा क्या होगा? शरीर नष्ट होगा, मन में भी तनाव सृष्टि होगा, है लोगों में तो ऐसी सांत्वना दिया जाता है, है किसी के माता पिता ज्ञान कर चल जाए तो उसके लिए कैसी सांत्वना दिया जाती? जब रोते कई सांत्वना दी जाती, देखो नर्स शरीर है, आज है काल नहीं है, चले जाएंगे। शरीर तो गए किंतु उसे आत्मा तो नहीं गई। तो उसी प्रकार ये जगत में सांत्वना दी है। गोपियां तड़प रही थी कृष्ण विरह में, किंतु उद्धव के द्वारा संभव नहीं है कि गोपियों की सांत्वना। इसलिए उद्धव अंत में तो इस प्रकार है, ये आप लोग जगत पूजिता है। और आप लोग की जो भाव माधुर्य है रुक्मिणी सप्तभाव ये नहीं है। ये कहते भगवती नांग महाभागा मैं अनुग्रहकृत उद्धव अंत में कार्य। ये आप लोग जो विरह आदि जो मैंने दर्शन किए केवल मुझे अनुग्रह करने के। कि अनुग्रह कैसे? मिलन के समय उसकी जो है हम समझ नहीं सकते, प्रियजन के साथ में जब कहीं रहते हैं तब उनकी विशेष वैशिष्ट्य हम समझ नहीं पाते, किंतु वे प्रियजन से जब हम बिछोड़ जाते हैं, माता पिता से जब बिछोड़ जाते हैं, उससे उससे माता पिता की जो रीत क्या होता है, उत्कंठा होता है। इसलिए छह श्लोकों के द्वारा उद्धव ब्रजगोपियों के प्रेम महात्मा की चिंतन कर नायन श्रीमु नितान्तर ते प्रसाद सर्जुषित अंगलिन गंध ऋचा कुतो अन्न रथोत्सव अश्व भुजदंड गृहित उकंठ लब्धा से जब उद्गाद ब्रज सुंदरिया। ये ब्रज सुंदरियों की जो सौभाग्य प्राप्ति है और किसी की सौभाग्य ऐसे प्राप्ति नहीं। क्यों? मैं रासस्थली में कृष्ण वो समझते हो ब्रजदेवियों की गलबटन देख रहे कि जो प्रेम बिहार आदि की और किसी जगह पर संभव नहीं। मुझे उद्धव ही कर भगवती नांग महाभागा मैं अनुग्रह कृत केवल मुझे अनुग्रह कृपा करने के लिए आप लोग विरोध दिखाया गया
गोविंद से आप लोग की कभी बिछोड़ नहीं हो सकता, क्यों? आप लोग की जो प्रेम है उस प्रेम के द्वारा स्वयं भगवान विचलित हो, गोपी प्रेम के द्वारा भगवान विचलित हो, वैकुंठ आदि प्रेम के द्वारा तुम्हें सामान्य रूप में देखा गया है। ना हम बसामी वैकुंठी न चुग्न हृदय च मदभक्त जत्र गांते तत्र तिष्ठामि नारद, नारद के वचन दे है। इसलिए उत्कंठा में ही प्रेम की विशेष वैशिष्ट है, याद रहेगा क्या क्या? एक विवेक शून्य प्रेम और विश्रम प्रेम और ये उत्कंठा में प्रेम, ये उत्कंठा में ही प्रेम ब्रज गोपियों के ऊपर कृष्ण के साक्षात में दर्शन पर्शन आलिंगन ये करना चाहते हैं। ये संत भाव को दिखा जीव गोस्वामी पद के विचार बहुत सुंदर है, कई बार बोलते हैं आप लोग भूल जाते हैं। उत्कंठा में प्रेम किसको कहता है, विश्रम प्रेम किसको कहते हैं और विवेक से न अत्यंत गाढ़ सख भाव होने के नाते उस प्रेम के द्वारा क्या होता है, ऐसे सोचते हैं कृष्ण अभी हमारे पास है, है कि जैसे एक उदाहरण, आप लोग हर रोज आते हैं आज, इसमें कोई कोई एक दिन यदि नहीं आया तो सोचते वो आया थे चल गए सब, क्योंकि हम लोग देखते देखते ऐसे प्रतीत होते जाते हैं ना, तात्पर्य क्या है? तो विष्णु प्रेम में उसी प्रकार के दिखाते हैं, सकाल सोचते कृष्ण ना, कृष्ण आए थे और चले, आज तो उस दिन कृष्ण आया ही नहीं और चले नहीं है, ऐसे था। सोचते हैं नहीं उन लोग तो हो रहे थे ये कृष्ण आज हमेशा कृष्ण के साथ तो हर समय नहीं रहते हैं ना, वो सकाल लोग कृष्ण के साथ खेलकूद करने के लिए गोचरण आदि के समय मिलते हैं, बाकी समय तो घर मान एक केवल घर में रहते हैं, है? तो इसलिए सोचते हैं जो कृष्ण आए ब्रज में अभी है, क्योंकि कृष्ण ब्रज से बाहर चले गए अपूर्व के रथ पर बैठ करके वृंदावन से मथुरा पधार गए, ये समझ कर दिखा दी गौर प्रमाण। आज एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि भक्ति जनन जतने पालन करे कृष्ण वसति वसति बलि परम आदर बलि, हो गया आया करे चले जाया करे है? कह दू विश्रम भी होता है ये उत्कंठा प्रेमी का क्या होता है साक्षात